हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जिसको आप ना इडली ना डोसा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक परफेक्ट स्नैक्स है। और बेस हम वैसे ही जैसे डोसे का तैयार करते हैं वैसे ही तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। सबसे पहले ले रही हूँ मैं एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने ऑयल को अच्छे से हीट कर लिया था। अब ऐड किया है मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा, और अब ऐड किया है मैंने 3 से 4 कड़ी पत्ते, और अब ऐड करी हूँ मैं कुछ नारियल और एक अदरक का टुकड़ा। अब हम इनको 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इसकी चटनी बनाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। अब वो अच्छे से भुन गया है, अब हम इसको ग्राइंड जार में डालेंगे। और अब ऐड करूँगी इसमें कुछ हरी मिर्ची, और अब ऐड करूँगी मैं इसमें हरा धनिया, और अब ऐड करी हूँ मैं इसमें कुछ भुने हुए चने, और अब ऐड करी हूँ स्वाद अनुसार नमक। आप चटनी को खट्टा बनाने के लिए इमली का पल्प भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इसमें 2 से 3 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ, जिससे एकदम से खट्टी सी लगेगी और इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। अब हम कर लेंगे इसको ग्राइंड। देखिए हमारी चटनी बनकर रेडी है। अब हम निकाल लेते हैं इसको किसी बाउल में। मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। आप चाहें तो इसको 1 मंथ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी चटनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो इसको डोसे के साथ या फिर इडली के साथ या फिर रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और ये ख़राब भी नहीं होती है। अब ले रही हूँ मैं 1 कटोरी चावल, जिसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। आप चाहें तो इसमें मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं। मेथी दाना भी इसमें ऐड करके उसको भी ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दें। अब मैंने इसको बारीक पीस लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी, और जो बाकी के चावल बचे हुए हैं हम उसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितना बारीक पेस्ट बना है। अब जो चावल बचे हैं उनमें मैं नारियल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम नारियल से बना रहे हैं आज की रेसिपी। अब हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे और एकदम से बारीक पीस लेंगे। इसका ही पेस्ट बनकर रेडी है। अब हम इसको भी दूसरे पेस्ट में ऐड कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनकर रेडी होने वाली है। आप चाहे तो इसको ग्राइंड करते वक्त 1 कटोरी पोहा भी ले सकते हैं, उससे क्या होगा इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। अभी ये फीका है तो अब हम इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे सॉल्ट, सिंपल वाला सॉल्ट ऐड करना है हमें, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच फ्रूट सॉल्ट। फ्रूट सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा, जो हमारे स्नैक्स है वो बहुत ही जालीदार और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे 5 मिनट के लिए, रेस्ट करने के लिए हम इसको रख देंगे। हम ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसको रेस्ट करते हुए। अब हम कर लेते हैं इसको फ्राई। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल को मैंने अच्छे से हीट कर लिया था। अब मैं थोड़ा थोड़ा पेस्ट हाथ पे लेते जाऊंगी। आप चाहें तो स्पून से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसको हाथ से ऐड कर रही हूँ। ये जो हमारे स्नैक्स हैं बहुत ही बढ़िया और जालीदार बनकर रेडी होंगे। आप इन स्नैक्स को मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। जैसे अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या बनाएं, आप इनको झटपट बनाकर 3 से 4 मिनट में भी रेडी कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपको मेरी वीडियोज कैसे लगती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मेरा ये पहला बैच फ्राई किया हुआ है, ऐसे ही मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। देखिए कितने बढ़िया जालीदार लग रहे हैं, एकदम से खस्ता से और एकदम से क्रिस्पी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, आई होप ये आपको बहुत पसंद आएंगे। ऐसे ही मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर ले रही हूँ। मैं एक साइड से इसको अच्छे से सेक के इसकी साइड फिर चेंज कर दूँगी, जिससे दूसरी साइड से भी अच्छे से सीख जाएं। जब एक बार आप इस रेसिपी को घर पर बनाएंगे तो आपकी फैमिली वाले, आपके बच्चे और बड़े इसको बहुत ही पसंद करेंगे और आपकी तारीफ ही तारीफ होगी। एक बार आप इसको ज़रूर बनाएं, आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए एक साइड से अच्छे से सीख गए हैं, अब मैं दूसरी साइड से भी इनको ऐसे सेक रही हूँ। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और हम इनको निकाल लेंगे। अब कर लेते हैं हम सर्व। हमारा एकदम खस्तेदार नाश्ता बनकर रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी रेसिपी लेकर आती हूँ। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो के साथ जो एकदम सिंपल और ईजी होगी। तब तक के लिए बाय।